नमस्कार दोस्तों आज इक्कीस अक्टूबर है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़े इसे लेके हम फिर से हाजिर है जो सबसे पहली न्यूज़ है वो कनाडा को लेकर है कनाडा के जो 41 जो कैनेडियन डिप्लोमेट्स थे उन्हें एक तरीके से भेज दिया गया है वापस और इंडिया ने कहा है कि हम कोई भी डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को वायलेट नहीं करा है मैंने हमने कोई भी उल्लंघन नहीं किया है कोई भी डिप्लोमेटिक नॉर्म्स का पर ब्रिटेन और अमेरिका ने आज कहा है कि इसे बातचीत के साथ सुलझाना चाहिए और ऐसा हम भारत को नहीं करना चाहिए भारत ने सिर्फ ये कहा है कि हम जो हैं उन राजनयिकों को सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराएंगे क्यों नहीं उपलब्ध कराएंगे कारण ये था कि जितने राजनयिक हमारे वहाँ हैं कनाडा में उतने ही हम यहाँ पे रहने चाहिए उससे ज़्यादा की हमें आवश्यकता नहीं है उससे ज़्यादा को हम सुरक्षा नहीं दे पाएंगे ठीक है तो इसके कारण वो इकतालीस चले गए हैं और ये सीधी सी बात है कि जो भारत के वीजा मतलब भारत से वीजा लेके जो जाते हैं कनाडा उनके लिए बहुत ही दुखद हो जाएगा और भारतीय छात्रों की कमी भारतीय लोगों की कमी कनाडा में जरूर हो जाएगी और इसका असर पूरे कनाडा की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा सीधा सीधा असर क्योंकि हर लाख हर साल लगभग एक लाख अस्सी हजार के करीब लोग जाते हैं और एक लाख अस्सी हज़ार या दो लाख के करीब लोग जाते हैं और ये काफ़ी बड़ी संख्या है वहाँ पे अट्ठारह लाख भारतीय वहाँ पे रहते हैं जो कि वहाँ की जन कुल जनसंख्या का पाँच परसेंट है तो इस तरीके से बहुत बड़ा असर पड़ेगा और ये कब हुआ है जब कनाडा ने सीधे सिलधे इल्जाम लगाया था निर्जर की हत्या का कि भारतीय एजेंसियों ने निर्जर की हत्या कराई है ठीक है इसके बाद ये तनाव शुरू हुआ है तो आप इसके बारे में एक बार देख लेंगे इसके बाद है पीएम फ्लैग्स ऑफ कंट्री फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सब सिस्टम आर के नाम से हम लोग पहले से जानते हैं आर क्या है कि एक ऐसी सेवा जो कि सैटेलाइट शहर बसाने में मदद करे सैटेलाइट शहर का मतलब यह है कि जब मुख्य शहर बहुत अच्छे से भर जाता है तो वहां पे यदि और भीड़ आती है तो संसाधनों पे दबाव साथ ही साथ वहां इंफ्रास्ट्रक्चर कूड़ा कचड़ा इस तरीके की जो चीज़ें हैं उपलब्ध नहीं हो पाती है तो फिर क्या किया जाता है सेटेलाइट शहर बसाए जाते हैं और सेटेलाइट शहर यदि हम बसाए बताते हैं तो इससे क्या होता है कि यहाँ के लोग जो यहाँ पर लोग हैं वो यहाँ से काम करने आ सकते हैं और काम करके जा सकते हैं लेकिन सेटेलाइट शहर बसाने के पहले यह देखना होता है कि हमारे यहाँ से जैसे आप ये समझो कि हम जब काम करने जाते हैं तो हमें क्या सबसे सुविधा देखनी होती है कि ट्रैफिक ना हो ना ट्रैफिक ना हो यदि ट्रैफिक हुआ तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं हुआ जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ए स्थान से एक शहर में ए स्थान से बी स्थान तक जाना है और इसको इतनी दूर में लगभग इतनी ट्रैफिक मिल रहा है कि ऐसे ऐसे घूम के ऐसे ऐसे करके पहुंच रहा है और इतनी ट्रैफिक मिल रही है कि वो उसे डेढ़ से दो घंटा लग जा रहा है तो डेढ़ से दो घंटा जाने में और डेढ़ से दो घंटा आने में इसी के कारण से एक आर शुरू की गई है मेरठ से शुरू की गई मेरठ टू दिल्ली और इसमें क्या होगा कि मैक्सिमम 45 मिनट में लोग वहां पहुंच जाएंगे है ना तो इसको इसी के कारण से इस तरीके की सेवाएं शुरू की जाती है ताकि जो लोग हैं काम करने वाले लोग हैं उन्हें रहने की सुविधा भी अच्छी मिल जाए और काम करने में भी वो आसानी से आ पाए और उनका टाइम कम लगे तो इस कारण से ये सेटेलाइट शहर बसाए जा रहे हैं अब इनको जोड़ने के लिए आर की शुरुआत की गई है जिसके पहले चरण में ये शुरू किया गया है तो आप इसको पढ़ सकते हैं है ना अब यहीं पे आप रोक के पढ़ना चाहें तो मैं वो कर देता हूं इसको हटा देता हूं आप यहां से पढ़ सकते हैं ठीक है स्क्रीन ले लीजिए ताकि आप पढ़ लिया कीजिए है ना ये देखिए क्या है कि हम पूरा अखबार नहीं दे पाएंगे पीडीएफ आपको रिस्ट्रिक्शंस होता है द हिंदू रिस्ट्रिक्ट वो लगाती है प्रतिबंध लगाती है कि आप अखबार नहीं दे सकते तो इसलिए यहाँ पे आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं और फिर आपको आप पढ़ सकते हैं उसको ठीक है इसके बाद जो मैं पढ़ना है वो पेज नंबर आठ पे पढ़ना है ठीक है पेज नंबर आठ पे चलते हैं पेज नंबर आठ में क्या है पेज नंबर सिक्स सेवन एट पेज नंबर सिक्स पे सेवन एडिटरियल पे है ना तो अब यहाँ पे क्या पढ़ना है तो द पॉलिटिक्स ऑफ ए कास्ट सेंसस इट्स इम्पैक्ट ऑन सेकुलरिज्म अब यहाँ पे देखिए क्या मामला है कि जो कास्ट सेंसस कराया गया है इसका जो मतलब उद्देश्य होना चाहिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए हो सकता है कि बहुत अच्छा करा जाए जैसे कि आरक्षण किस प्रकार से किस आधार पे किस तरीके से दिया जाए है ना या अन्य जो कार्य हैं जो पीछे रह गए हैं उनको किस तरीके से आगे लगाया जाए क्या वो जातियाँ जिनको आरक्षण मिल रही है वो जातियाँ उस अनुपात में प्रतिनिधित्व तो कर रही हैं नहीं इस तरीके से किया जा सकता है लेकिन एक सबसे बड़ा जो खतरा है वो है मोबिलिटी का या वोटिंग का वोट है ना जो पॉलिटिकल दल हैं वो राजनीतिक दल हैं वो वोट के लिए अपने तरफ खींच सकते हैं उन जातियों पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं जिनके वोट निर्णायक होंगे और ये बहुत बड़ा खतरा है खैर इसको आप पढ़ लेंगे ठीक है इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो है मिस्ड अपॉर्चुनिटी मिस्ड अपॉर्चुनिटी जो है एस डी आई ऑफ इंडिजीनियस पीपल मस्ट कीप पेस द अदर ऑस्ट्रेलियंस है ना? जो अभी हम लोगों ने कल या परसों पढ़ा था कि जो वहाँ के इंडिजीनियस पीपल हैं जो वहाँ के स्वदेशी लोग हैं उनकी जनसंख्या बहुत कम हो चुकी है और ये जो सेंसस है वो मतलब एक क्या बोलते हैं जन मत रेफरेंडम कराने वाले थे और वो बहुत दिक्कत हुई है और नहीं करा पाए क्योंकि वो एक तरीके से उन्होंने जो बहुसंख्यक है वो मना कर दिए हैं रेफरेंडम ऑन द वॉइस प्रपोज बॉडी कंप्राइजिंग में तो ये चीजें हैं कि मतलब जो बहुमत में आ जाएंगे चाहे वो प्रवासी ही नहीं हो चाहे वो विदेशी ही नहीं हो वो फिर आपको आपकी जो नीतियां लिखा गया है, तो आप इसको पढ़ लेंगे इसके बाद जो है पेज नंबर बारह में पढ़ना है हमें आज गगनयान मिशन जो है वो लॉन्च किया गया और सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है दस बजे है ना और 10 बजे ही जो है इसको वापस ये पैराशूट के सहारा से सहायता से समुद्र में उतर आया है तो ये सफल रहा है तो इसको आप देख लेंगे है ना एक बार पढ़ लेंगे कल आएगा न्यूज़ में तो आप उसे देख सकते हैं आज ही ये हो चुका है तो इसके लिए उसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है लास्ट जो हमें पढ़ना है दोस्तों इसके पहले एक चीज़ कहूँगा कि यदि आप पहली बार आए हो पेज पर तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें ना? यहां पे एक न्यूज है मलेशिया इंडिया टू बूस्ट टूरिज्म होम ना तो मलेशिया अब जो है एक तरीके से भारत को देख रहा है बूस्ट करने टूरिज्म बूस्टअप के लिए मलेशिया इज गियरिंग अप टू सेल रस्टिक होमस्टे टू स्कूल यूनिवर्सिटी वर्ल्ड वुमेंस ग्रुप प्रोफेशनल्स एंड फैमिलीज इन इंडिया है ना? तो इस तरीके की बनाए बना, बना रहे हैं ताकि जो है इंडिया और चाइना के जो पर्यटक हैं वो उसके तरफ आकर्षित हों और इसी पे बात की गई है तो इस प्रकार से भारत में आपको कहाँ कहाँ हॉप दिखता है किन किन राज्यों में हॉप है कि वो अपने देश के नागरिकों को अपने यहाँ टूरिज़्म के लिए आकर्षित कर सकते हैं एक मैं बता देता हूँ झारखंड छत्तीसगढ़ उड़ीसा में खदान बहुत है।, है ना खदान है और ये खदान जो है वो अब खाली छोड़ दिए गए हैं बहुत सारे खदान और यहाँ पे क्या हो गया है वाटर भर गया है पानी भर गया है। इन खदानों को टूरिस्ट स्पोर्ट के रूप में डेवलप किया जा सकता है आसानी से किया जा सकता है और बहुत ही ज़्यादा लोग इसकी तरफ आकर्षित हो सकते हैं पर इसके लिए विजनरी होना चाहिए और इसके लिए आ, सरकारों को सोचना चाहिए ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही फिर कल मिलते हैं और तब तक आप सोचिए कि और कौन कौन से राज्य इस तरीके से आकर्षित कर सकते हैं धन्यवाद